देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। आप लोगों को पता ही है जैसे कि मेनक्स डील जो है आप स्प्रे से भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो इससे भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक टू क्वांटिटी रहता है कि ये 1 ml है, 0.5 ml है, उसके हिसाब से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा अभी हेयर जो है वो कम है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मैं स्प्रे का ही यूज़ करूँगा। जो स्प्रे है 5 times अगर आप स्प्रे करेंगे तो समझ लीजिए आप 1 ml यूज़ कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से हमें जो ये सब हेयर है इसमें करूँगा, जैसे भी ये आपकी सेटिंग हो जाएगा। लेकिन नया नया बाल आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक HD फोटो भी डाल दूंगा जिसमें आपको अच्छे से दिखे। जो हेयर चला गया उसमें नया नया बाल भी अभी आना शुरू हो गया है, तो देखते हैं। अभी इतना दिन हुआ नहीं, 45 days ही हुआ। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने मार्च 23 को मैंने कराया था हेयर ट्रांसप्लांट, तो अभी आपका मई 10 है आज, तो देखते हैं कितना तक आता है। अभी तो मॉर्निंग टाइम में मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है, तो इससे पहले ही मैं वीडियो बना के देख ले रहा हूँ। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 times मैंने यूज़ किया है। देख सकते हैं, इससे देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है, तो मैं जल्दी अपडेट करूंगा आप लोगों को। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे रिजल्ट आपको देखते रहना पड़े। जैसे भी आप लोग को पता ही है, मैंने मैनेज डील से बहुत हद तक अपना हेयर ग्रो कर लिया था, लेकिन जो साइड के रिसीडिंग हेयरलाइंस थे उस पर मेरा इफेक्ट नहीं हो रहा था मैनेज डील का। तो इसके बाद मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया। इससे पहले मैंने मैनेज डील भी बहुत क्यूट कर दिया था, 7 to 8 months से ज़्यादा ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो हेयर है जो आए थे वो जाना शुरू कर दिया। तो मैंने उसके बाद 5000 हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। उसका कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, और डोनर एरिया लगभग अभी 45 days हो गया, शेडिंग फेज बहुत ज़्यादा हो गया, 60-70% तक शेडिंग फेज आ गया। तो मैं आज से सोच रहा हूँ कि फिर मैनेज डील जो है फिर से रिकंटिन्यू करूँ ताकि जो हेयर है वो जल्दी आए। और मैं कोशिश करूँगा, भले अभी 2 times per day यूज़ करूँगा, लेकिन बाद में जाके इसको पर डे 1 कर दूँगा जब मेरे हेयर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो जो आप जानते ही हैं कि मैं